मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो फाइनली हम लोग यार यहाँ से निकल रहे हैं और लगेज अपना आ चुका है भाई, बस गाड़ी में लोड करने जा रहे हैं लगेज। तो मैं बूट खोल देता हूँ एक बारी। गाइस फाइनली दोनों गाड़ियों में सामान हो चुका है लोड और हम लोग अब निकल रहे हैं भाई रीवा के लिए। बताया था ना वहाँ आपको अपना फार्म हाउस दिखाना है, उसलिए यार मैं सच बता रहा हूँ, अगर बाल बढ़ा रहा है ना कोई तो अपना जो शैम्पू प्रिस्क्राइब किया है ना अपना सैलून ने आपको, तो भाई वो ज़रूर कैरी करना। मैं देखो भूल गया हूँ और मैं शैम्पू ही नहीं कर पाया भाई, कैसे कैसे बाल बचा के ना आया हूँ यहाँ पर जितने दिन तक मैं जानता हूँ यार। तो इसीलिए कैरी और शैम्पूज इफ़ यू ग्रोइंग योर हेयर। चल रहे भाई फिर दिखाते हैं फार्म हाउस आपको। तो गाइज हम लोग निकल चुके हैं अब रिजॉर्ट से और अब हम लोग जा रहे हैं सीधे रीवा और मिलेंगे अब आपसे वहीं पे बिना कहीं रुके भाई, सीधे अब रीवा जाएंगे और कल जो आप लोग से मैंने बोला था दिखाने को भाई वो आप लोग को वहीं जाके देखने को मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। गाइस हम लोग मैहर क्रॉस कर चुके हैं और अब हम लोग बढ़ रहे हैं रीवा की तरफ और भाई रोड बहुत अच्छी है बट बीच में कहीं कहीं गैप्स हैं, जैसे कि ये जहाँ पे मतलब डिवाइडर नहीं है तो उसका आपको ध्यान रखना है। और गाय भैंस बहुत सारी हैं भाई पूरे एमपी के सारे रोड पे, तो बस बढ़ रहे हैं। देखो गाइस तो हम लोग आ चुके हैं अपने फार्म हाउस पे। प्लीज़ गाइस मेरे बालों को यार एक्सक्यूज़ कर देना आज के लिए, भाई कोई प्रोविजन ही नहीं था वहाँ मेरे बालों के लिए, ठीक है। तो बस अब दिखाते हैं आपको फार्म हाउस और खड़ी हैं सब अपनी गाड़ियाँ ही और हम लोग को आई थिंक तो सवा तीन घंटे लग गए, सवा तीन या पौने तीन घंटे लग गए बांधवगढ़ से यहाँ हम लोग मैहर होते हुए आए हैं। तो वो भाई अपना एक छोटा सा मंदिर है, ठीक है, और ये एंट्री गेट है, वो अपना एक छोटा सा मंदिर है। अब भाई ये है अपना फार्म हाउस यहाँ पे, ठीक है। ये खड़ी अपनी दोनों गाड़ियाँ, वो भी गाड़ी उधर खड़ी है, वो भी अपनी ही है। और भाई सोच रहे हैं इसमें थोड़ा रेनोवेशन करवाने का अभी, है ना। कमेंट्स में बताना किस तरह का रेनोवेशन इसमें पसंद आएगा, है ना। और ये गार्डन है, यहाँ पे थोड़े से प्लांट्स हैं, यहाँ आते बहुत कम हैं हम लोग इसलिए अभी मतलब ऐसे ही है, बट बाकी मेंटेन करा देंगे तो बहुत बढ़िया बन जाएगा। ये भी काफ़ी बड़ा स्पेस है जैसा कि आप देख सकते हो, है ना। गाइस एंट्री है अपनी यहाँ से और भाई ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ मेरा बहुत पुराने टाइम का बना हुआ है, है ना। तो अभी जब ये रेनोवेट होगा उसके ऊपर भी पूरा व्लॉग बनेगा, फिर आप देख पाओगे अच्छे से। ये कुछ ऐसा है, ये एक छोटा सा डाइनिंग टेबल है और ये एक हैंड वॉश है, एक कमरा ये है जो कि लॉक्ड है फिलहाल, और इधर किचन है और ये जो है एक और रूम है। आप देख सकते हो ना कितने पुराने स्टाइल में, चाहे कबर्ड्स हो या वो, क्योंकि ये मेनली मेरी बड़ी नानी का घर था तो उसी हिसाब से बना हुआ है अभी। बाकी जब रेनोवेट होगा तो स्विमिंग पूल वगैरह सब। और गाइस ये तुम्हारे भाई का कमरा है, यहाँ पे व्यू है बाहर का कुछ ऐसा, है ना। और ये छोटा सा टीवी और ये यहाँ मतलब सोने बहुत रेयरली आते हैं, बस खाने पीने रुकते हैं रास्ते में कभी कभी, उसी हिसाब से पूरा यहाँ पे एक छोटा सा और शीशा। भाई जिस दिन ये बन जाएगा ना इतना खूबसूरत है कि आज के हिसाब से जिस दिन बन जाएगा, या फिर कभी कभी सोचते इसको एंटीक मतलब समझ नहीं आता यार, कमेंट्स में बताना। रेनोवेट करवा के एकदम आज के नया अच्छा सा यहाँ पे, यहाँ पे सोच रहा हूँ स्विमिंग पूल बनवा दें, या देखते हैं जो भी करेंगे आपको तो देखने को मिलेगा ही, है ना। तो देखते हैं क्या होता है भाई। ये है भाई लिविंग रूम, लेट हो रहा है तो निकल रहे हैं बस घर भाई, इलाहाबाद भी पहुंचना है जल्दी, है ना। दुनिया में कहीं चले जाओ इलाहाबाद तो इलाहाबाद ही है, तो आप लोग जानते ही हो, बस अब चल रहे हैं भाई इलाहाबाद। तो गाइस फाइनली हम लोग इलाहाबाद पहुंच चुके हैं, ठीक है। और भाई सबसे पहले ये बाल का हला भला करवाना है यार, हेयर वॉश करवाना है बढ़िया से जाके,
तो हम लोग अब जा रहे हैं गीतांजलि, मिलते हैं आपसे सीधे वहीं। इस पे भी रिव्यू करूंगा यार फुल। वेलकम बैक टू द चैनल। यार आप सोच रहे होगे कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ बीच में, भाई कल इतनी ठंड हो गई थी, प्लस यार एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था तो वहाँ जाना पड़ गया, बहुत ख़राब माहौल हो गया था भाई, तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाया, ना गुड नाइट ना कुछ। तो और वैसे भी 4-5 मिनट की शूटिंग ही थी उसके पहले, तो मैंने सोचा उसी ब्लॉग को मैं आज कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग हैं घर पे भाई, बस बढ़ रहे हैं सिविल लाइंस की तरफ, चलते हैं भाई सिविल लाइंस। तो गाइज एक छोटा सा डिटूर लेना पड़ गया हमें और अब हम लोग जा रहे हैं अरेल रोड से, क्योंकि भाई मेन रोड पे बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है। यहाँ भाई फिर भी ठीक है, ये है भाई यहाँ का कुछ नज़ारा, देखो कितना खूबसूरत है। गाड़ी में एड ब्लू खत्म हो गया था और ये एड ब्लू डल रहा है भाई अपने गाड़ी में, जानते हो ना ये वाले फॉर्च्यूनर का थोड़ा ये दिक्कत है क्या मिश्रा? क्यों? हाँ और इससे गाड़ी मनमनाऊंगा चलेगी बढ़िया। मनमनाऊंगा चलेगी बढ़िया। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं घर और भाई थोड़ा सा डीजल लेने रुक रहे हैं, क्योंकि यार उस समय एक्चुअली क्या हुआ था भाई, मैं बहुत समय, इस समय बज रहे हैं रात के 11, आप सोच रहे हो कि इतना गैप क्यों हो गया उस समय से लेके अब तक में, भाई गाड़ी एक्चुअली थोड़ा लड़ गई थी तो थोड़ा कांड हो गया था भाई, समझ रहे हो ना, एक तो बाइक वाला था भाई घुसा दिया पीछे में, अभी नई नई गाड़ी पेंट हुई है। तो अभी आ चुके हैं भाई डीजल टैंक पे और भाई थोड़ा तेल लेना है इसमें, तेल लेके फिर भाई चलते हैं घर की तरफ, घर पे भाई मिलते हैं आपसे। पहुंच गए हैं घर पर भाई, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ यार आज, थक तो रोज़ ही जाते हैं ना, आप सोचते हो कि रोज़ ही बोलता है थक गया हूँ, लेकिन भाई आज सच में थक गए हैं भाई, गाड़ी लड़ गई थी, बड़ा दिमाग ख़राब हो गया था, मेरी वाली नहीं सफ़ेद वाली फॉर्चुनर लड़ गई थी भाई, बीटी हो गई थी एकदम, अभी 2 दिन पहले ही पूरा पेंट जॉब हुआ है उसमें, और उसकी जो उसका रिवील होगा ना उसमें पूरी मॉडिफाई हुई है अभी गाड़ी, और उसका जो रिवील हुआ होगा वो मेरा छोटा भाई अर्णव पांडे व्लॉग्स के नाम से उसका चैनल है, आप लोग जाके देख सकते हो, ठीक है भाई। OG फॉर्च्यूनर है और क्या भाई ने गाड़ी मॉडिफाई कराई है यार, मज़ा आ गया देख के, है ना। आप लोग जानते हो हम लोग तो बहुत पुराने शौकीन है यार मॉडिफिकेशन की, गाड़ी शोरूम से निकलती नहीं कि तुरंत पहले घर से पहले मॉडिफिकेशन के लिए खड़ी हो जाती है, तो ये जो है भाई इसने पहली बार भाई अपना ये पहली बार इनिशिएटिव लिया है और भाई बहुत प्यारा काम हुआ है यार गाड़ी में। तो आप लोग मैं पता नहीं कैसे होता है टैग करती हैं जो भी होता है, मैं उसके चैनल लिंक में अपना जैसे भी होता है भाई, मुझे उतना आइडिया नहीं क्योंकि मैंने आज तक किसी को टैग करके तो कोई वीडियो बनाई नहीं है, बट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा यार, आप लोग ज़रूर जाके देखना, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई मॉडिफाई हुई है गाड़ी, वो जब भी रिवील करेगा, और वही गाड़ी ना आज लड़ गई पीछे से, एक बाइक वाला था भाई, मैं सच में कह कह के थक गया हूँ यार, प्लीज़ मेरा थोड़ा सा रिक्वेस्ट है जितने बाइक वाले भाई हैं ना, थोड़ा ध्यान से यार, थोड़ा ध्यान से, क्योंकि पता है गाड़ी तो क्या है, देखो भाई जो फॉर्च्यूनर चल रहा है 5-10 हज़ार का भूखा आदमी नहीं है भाई, वो गाड़ी बनवा लेगा, आप बाइक चढ़ रहे हो आप अपनी बाइक बनवा लोगे, ठीक है, चाहे 2 लाख की हो, 6 लाख की हो, 10 लाख की हो, बट आपकी जान की जो वैल्यू है ना वो भाई कोई पैसा नहीं लगा पाएगा। तो मेरा ये एक रिक्वेस्ट है कि भाई सब लोग आराम से चलो, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, 5 मिनट का फ़र्क पड़ता है तेज़ चलाने पे और धीरे चलाने पे, तो उस 5 मिनट में ना अपनी जान के साथ मत कॉम्प्रोमाइज़ करो भाई, ठीक है। जो शायद आज गाड़ी में लड़ाया है वो भी कभी ये वीडियो देखेगा तो भाई मैं आपको भी कह रहा हूँ आराम से, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है, 5-7 मिनट का फ़र्क पड़ता है, आराम से चलो, अब दूसरे की सेफ्टी का भी ध्यान रखो और सबसे ज़रूरी अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखो। तो भाई बांधवगढ़ का और फार्म हाउस का कैसा आपको लगा यार कमेंट्स में बता दो यार, है ना, और जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं ना जो 2-4 कमेंट रोज़ करते हैं मेरे लिए, वो 2 लाख 4 लाख भी अगर कभी हो जाए ना मैं बोलूँगा 2-4, क्योंकि मुझको याद है मेरे पहले के समय में किसने कौन पहले दिन से कमेंट कर रहा है कौन नहीं। भाई ये आप लोग के लिए जो रोज़ मेरी वीडियो देख के सबसे पहला कमेंट करते हो,
ये मत सोचो मैं देख नहीं रहा हूँ या मैं ध्यान नहीं देता हूँ, ठीक है, मैं सब ध्यान देता हूँ भाई। और आप लोग से पर्सनली मेरा बहुत जल्दी मिलना होगा, तो उसके लिए भी कुछ प्लान करते हैं, ठीक है, कहीं बैठते हैं आराम से। और आगे की चीज़ें, मैं एक टीम बनाने जा रहा हूँ अपने चैनल का, ठीक है, वो व्हाट्सएप लिंक के थ्रू आप ज्वाइन कर पाओगे उसको। बहुत जल्द मैं वो भी इनिशिएटिव लूँगा 1000 सब्सक्राइबर के बाद, उस टीम में जो जो चाहे भाई शामिल हो सकता है। अगर आपके पास कोई ऐसी गाड़ियाँ हैं जो आप दिखाना चाहते हो मेरे चैनल पर, आप ले आकर दिखा सकते हो, ठीक है, एवरीबडी इज़ वेलकम भाई। ये चैनल हम सबका है, जितने भी लोग देखते हैं, किसी का मतलब सिर्फ मेरा नहीं है, हम सबका, जितने भी लोग देखते हैं भाई सबका चैनल है ये, ठीक है। वीडियो पसंद आई यार तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब भाई, बहुत थक गया हूँ, अब सोने दो, ठीक है, देख लो, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बैठ बैठा हूँ, बस जैकेट उतारूँगा सो जाऊँगा, तो कपड़े ऊपर नहीं बदलूँगा, क्यों झूठ बोलूँ, नहीं बोलूँगा सही में, है ना, मिलते हैं आपसे कल, आपका दिन शुभ हो।